please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के रायबरेली में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। दावा है कि भारी बारिश से रायबरेली के 20 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, जबकि सई नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। लगातार बारिश की वजह से रायबरेली के कई इलाकों में हालात खराब हो गए। दूर दूर सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई। वहीं रिहायशी इलाके भी तालाब में तब्दील हो गए, जिसके बाद लोग अपनी जान पर खतरा लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। रायबरेली के शोभापुर गाँव में भी 250 लोगों ने नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने अपने स्तर से नाव लगाकर लगभग 50 परिवारों के 250 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बचाव दल के लोगों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई। रायबरेली में भारी बारिश से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके घर और खेत दोनों पानी में डूब गए। बारिश से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखी तो उन्होंने रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के रवैये पर भी सवाल उठाए और नारेबाजी की। रायबरेली में भारी बारिश से 1500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। हालांकि प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने हालात में जल्द सुधार होने की उम्मीद जताई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम कार्यक्रमों में कई तरह की टोपियां पहनते हैं, लेकिन मुस्लिम टोपी नहीं पहनते हैं। थरूर ने पीएम पर यह भी आरोप लगाया कि वो राहुल गांधी को मुस्लिम शब्द शहजादा कहकर जानबूझकर संबोधित करते हैं और एक भी बार उन्होंने राजकुमार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। I ask you, why does our Prime Minister, who wears all sorts of outlandish headgear wherever he goes around the country, around the world, why does he always refuse to wear a Muslim skull cap? यूपी के कानपुर में कुछ लड़के 50 फीट की ऊंचाई से गंगा नदी में छलांग लगाने लगे। दावा है कि 15 से ज्यादा लड़कों ने उफान पर बह रही गंगा नदी में जानलेवा छलांग लगाई, लेकिन इस बीच किसी ने भी लड़कों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश नहीं की। कानपुर में गंगा नदी के किनारे भैरव घाट पर इकट्ठा हुए लड़कों में दो लड़के वहां लगे एक खंभे पर चढ़ गए। इसके बाद उनमें एक लड़के ने 50 फीट की ऊंचाई से गंगा नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते उसके पीछे खड़ा दूसरा लड़का भी गंगा नदी में कूद गया। दोनों लड़कों के गंगा नदी में छलांग लगाने के बाद कुछ और लड़के उस खंभे पर चढ़ गए। इस बीच नीचे खड़े एक लड़के ने भी गंगा नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद कई और लड़कों ने जानलेवा स्टंट दिखाए। घटना के समय गंगा नदी में जानलेवा छलांग लगाने वाले लड़कों को रोकने की बजाय लोग उनका वीडियो बनाते रहे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनके सरकारी बंगले में बाहर के लोगों ने तोड़फोड़ की और उसे अंजाम देने वाले का नाम बताने पर इनाम देंगे। अखिलेश के मुताबिक सरकारी बंगला खाली करने के बाद रात में कुछ लोग हथौड़े और कुदाल लेकर वहां गए थे और इनका नाम बताने पर 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए समाजवादी लोग 2-2 हजार रुपए इकट्ठा करेंगे। जिस समय हमने घर दिया उसके बाद रात में कुछ लोग हथौड़ा और कुदाल लेके हमारे घर में गए, अगर आप उनका नाम उजागर कर दोगे तो हम समाजवादी लोग 2-2 हजार रुपए इकट्ठा करके 11 लाख का इनाम आपको देते हैं। सुषमा स्वराज को एक महिला ने गाना सुनाया। उज्बेकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक महिला ने राज कपूर की फिल्म श्री 420 का इचक दाना पीचक दाना गाना सुनाया। इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप में 7 तीव्रता का भूकंप आने से 82 लोगों के मरने की खबर है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने का एक पुराना विमान दुर्घटना का शिकार होने से 20 के मरने की खबर है। यूपी की बस्ती में बांध बनाने की मांग को लेकर आरएलडी के प्रदेश सचिव चंद्रमणि पांडे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के घर धरने पर बैठ गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के समय 3 कावड़िए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बीते दिन बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या से खड़े हुए सवालों के बाद योगी सरकार ने जेल सुरक्षा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह को बनाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जल्द ही कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए जल्द ही खास तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी और ये गाड़ियां एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF को दी जाएंगी। गाड़ियां केवल बुलेट प्रूफ ही नहीं होंगी, बल्कि दावा किया जा रहा है कि बम धमाका होने पर भी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। गाड़ी को हर गाड़ी के ऊपर एक LMG यानी लाइट मशीन गन लगी होगी, जिसका इस्तेमाल हमले के वक्त दुश्मन पर गोलियां बरसाने के लिए किया जा सकेगा। ऐसी हर गाड़ी की कीमत करीब 25 लाख से 40 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है। ऐसी कितनी गाड़ियां खरीदी जाएंगी अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों को दिन रात एयरपोर्ट और उसके आसपास के हिस्से में तैनात रखा जाएगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को देश का सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है।
सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की सख्ती से आतंकी डर गए हैं। आतंकियों को अब मौत का डर इतना ज्यादा सता रहा है कि वो गांव वालों से बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। शोपियां जहां कल 5 आतंकी ढेर किए गए थे, वहां एक आतंकी गांव वालों से गुहार लगा रहा है कि वो आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बल को ना दें। आप हमारी इसलाह कीजिएगा, लेकिन ये मुखदरी तो मार कर दोगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्यों ये गलत काम कर रहे हो, क्यों हमें चलने नहीं देते हो। बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला। ये लोग मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में सड़क पर उतरे और नीतीश सरकार के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के समय जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। कैंडल मार्च निकालने के बाद ये लोग एक चौराहे पर पहुंचे, जहां इन लोगों ने काफी देर तक रेप कांड के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मामले का जवाब देना होगा। इन लोगों ने मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा और जिनका नाम आ रहा है उनसे इस्तीफा ले लें, अन्यथा उनको बर्खास्त करें। जन अधिकार पार्टी ने पटना के अलावा राज्य के कई और हिस्सों में भी रेप कांड के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक पर एंटी बर्ड डिस्क लगाने की तैयारी है। लोग मेट्रो के ट्रैक पर बिछी बिजली के तारों के पास अक्सर पक्षी घोंसला बना लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक इन घोंसलों से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए ये योजना बनाई गई है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब पक्षी अपने घोंसले में कोई ऐसी चीज ले आए जिनके तारों से टकराने पर शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसी घटनाओं की वजह से कई बार मेट्रो ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ा। कई बार तो परेशानी दूर करने में कई घंटे लग गए। इसलिए अब 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के हर पोल के पास एंटी बर्ड डिस्क लगाई जाएगी। ये एंटी बर्ड डिस्क गोल आकार की होगी, जिनमें नकीली कीलें लगी होंगी। माना जाता है कि इन कीलों से डरकर पक्षी इनके पास घोंसला नहीं बनाते। इन कीलों में प्लास्टिक भी होगा, इसलिए इन कीलों के चुभने के बावजूद पक्षियों को कोई गंभीर चोट नहीं आएगी। योजना के मुताबिक दिल्ली मेट्रो को इस तरह की कुल 15,000 एंटी बर्ड डिस्क लगानी पड़ेंगी, जिनमें 10,000 डिस्क मेट्रो के तीसरे चरण के अलग अलग रूट पर लगेंगी और 5,000 डिस्क दिल्ली मेट्रो के पहले और दूसरे चरण के रूट पर लगाई जाएंगी। इंडोनेशिया के लोमबोक द्वीप में आए 7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 82 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप की वजह से पर्यटकों और इंडोनेशिया के लोगों में खासी दहशत है। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के लोमबोक के उत्तरी क्षेत्र में जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे था। एक हफ्ते पहले भी लोमबोक द्वीप पर आए भूकंप में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया के अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद जारी की गई सुनामी की चेतावनी को रद्द किया गया है। असम के शिवसागर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव पानी में डूब गए, जिसके बाद कुछ लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। ASDMA यानी असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शिवसागर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 3,000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी दी। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद का भरोसा दिया। दावा किया गया कि अकेले शिवसागर में बाढ़ की वजह से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे असम में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 45 बताई गई। असम के धेमाजी, लखीमपुर, दरंग, गोलाघाट, शिवसागर और चराईदेव जिले में बाढ़ से कुल 1,09,000 लोगों के प्रभावित होने का दावा किया गया। इनमें गोलाघाट बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताया गया, जहां 91,000 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी गई। वहीं बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में करीब 11,000 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद होने का भी दावा किया गया। साथ ही 6 जिलों में बाढ़ से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई। असम की BJP सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया और राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में हालात खराब दिखे। जगह की कमी की वजह से कई लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य में बनाए गए 132 राहत शिविरों में 23,504 लोगों की शरण लेने की जानकारी दी। साथ ही अगले कुछ दिनों में राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 50,000 के पार जाने का अनुमान लगाया। वहीं मौसम विभाग ने असम में 12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट ने दिल्ली पुलिस को चिंता में डाल दिया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी दाखिल हो चुके हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए लश्कर के आतंकी हिंदुओं या फिर सिखों की पारंपरिक वेशभूषा का सहारा ले सकते हैं।
आतंकियों के निशाने पर मंदिर मस्जिद समेत भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकी अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सहारा ले सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उज्बेकिस्तान दौरे पर उन्हें एक महिला मिली जो राज कपूर की फैन थी। महिला ने सुषमा स्वराज को 420 फिल्म का मशहूर गाना इचक दाना बीचक दाना सुनाया, जिसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें महिला सुषमा स्वराज के साथ वीडियो में इचक दाना बीचक दाना गाती दिखाई दे रही है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने लिखा कि हिंदी सिनेमा की कोई सीमा नहीं है। उज्बेकिस्तान में राज कपूर और नरगिस के नाम पर घर का नाम रखा गया है। इस महिला की हिम्मत को सलाम है, जिसने ईचक दाना बीचक दाना को इतने आत्मीयता से गाया। मुंबई के पास अंधेरी में देर रात कुछ लोग कार सवार एक लड़की को घेर कर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। आरोपी की कार सवार लड़की ने वहां एक आदमी को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी लड़की की कार को घेर लिया, हंगामा करने लगे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने लड़की को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो गाड़ी के दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठी रही। हंगामे के बीच कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, लेकिन आरोपी लड़की ने गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला। इस बात से खफा लोगों ने हंगामा करना शुरू किया और गाली गलौज भी की। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं आरोपी लड़की को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी लड़की ने अपनी गलती नहीं मानी और हादसे का ठीकरा घायल हुए आदमी पर ही फोड़ दिया। एक्सीडेंट ना मेरी गलती थी, ना वो बाइक वाले की गलती थी, एक ऑटो वाला था उसकी गलती थी। ओवर स्पीडिंग कैसे हुआ? ओवर स्पीडिंग कैसे होगा जब यूटर्न ले रही हो तो। आशीष सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, हम लड़की को भी सुन रहे थे, अभी तक क्या बात सामने आई है? पुलिस ने जो है उसका पहले ब्लड टेस्ट सैंपल लिया है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि कहीं जब ये दुर्घटना हुई थी, ये हादसा हुआ था, उस दौरान कहीं वो नशे में धुत नहीं थी। ओवर स्पीडिंग का मामला शुरुआती जांच में पुलिस को जो है वो नजर आया हुआ है, जिसके बाद जो है महिला को हिरासत में लिया गया, लेकिन टेबल बेल दी गई है और साफ तौर पर उसे निर्देश दिए गए हैं कि उसे जब पुलिस बुलाएगी तब उसे पुलिस स्टेशन में हाजिर रहना होगा। महिला का साफ तौर पर कहना था कि जो है वो ओवर स्पीडिंग नहीं बल्कि एक ऑटो रिक्शा की गलती की वजह से हादसा हुआ। जिस तरह से महिला को बार बार लोग गाड़ी से उतरने के लिए बोलते रहे, पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ गई, उसके चलते कहीं ना कहीं पूरा एक जो है ड्रामा सड़कों पर लोगों को देखने को जरूर मिला। बिल्कुल आशीष, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे फिलहाल, शुक्रिया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। इस सियासत के बीच पटना में एक कार्यक्रम के समय सीएम नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए विरोधियों पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि रेप कांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो गड़बड़ करेगा वो बचेगा, अंदर जाएगा, उसको बचाने वाला भी नहीं बचेगा, वो भी अंदर जाएगा, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गड़बड़ करने वाले अंदर जाएंगे। नीतीश कुमार चाचा, सबसे ज्यादा गड़बड़ तो आप ही करते हैं। 3,000 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, क्या कोई बड़ा अधिकारी नेता जेल गया? मुजफ्फरपुर कांड में भी वही होगा। इससे पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च के समय भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। साथ ही उन्होंने रेप कांड के कसूरवार लोगों को बचाने का आरोप भी राज्य सरकार पर लगाया था। आरजेडी के इस हमले को धार देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और उसके नेता लगातार रेप कांड के बहाने नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हम चैलेंज करते हैं नीतीश साहब को कि आप खाली यह बता दीजिए कि क्या 3 साल से मिनिस्ट्री को नहीं मालूम था कि यहाँ पर इस तरह के संगीत क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो आप क्यों चुप बैठे हुए थे? नीतीश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज होता देख जेडीयू भी मुख्यमंत्री के बचाव में सामने आई। जो आवश्यक कार्रवाइयां जितनी भी विपक्ष ने चाही थी वो सारी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं, अब वो जांच होने दें। जेडीयू ने विपक्ष की सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया।